हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे रियलमी 7 5G में और सैमसंग गैलेक्सी M31S में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले से। रियलमी की है 6.5 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080 मल्टीपल 2400 पिक्सल और इसमें IP सेंसर डिस्प्ले का यूज किया गया है। और सैमसंग की डिस्प्ले है 6.5 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080 मल्टीपल 2400 पिक्सल और इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। और दोनों ही फ़ोन में आपको 5-6 डिस्प्ले दी गई हैं। बात करते हैं प्रोसेसर की। रियलमी का है डेमेसिटी का 800U का और CPU है 2.4 GHz ऑक्टा कोर का और इसमें 7 नैनोमीटर का फिनफैट और इसका GPU है जी 57 है MC4 का। और सैमसंग का जो प्रोसेसर एक्सिनोस का है 9611, CPU है 2.3 GHz ऑक्टा कोर का और इसमें 10 नैनोमीटर का फिनफैट और इसका GPU है जी बेहतर है MP3 का। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों का सेम है Android 10। बात करते हैं बैक कैमरे की, रियलमी का है क्वाड में 48+, 8+, 2+2 मेगापिक्सल का। सैमसंग का भी क्वाड में है 64+, 12+, 5+5 मेगापिक्सल का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, रियलमी का है 16 मेगापिक्सल का और सैमसंग का है 32 मेगापिक्सल का। फ्रंट और बैक कैमरा दोनों में आगे हैं सैमसंग। बात करते हैं बैटरी की, रियलमी में दी गई है 5000 mAh की और सैमसंग में दी गई है 6000 mAh की और दोनों फ़ोन बैटरीज नॉन वेल है। आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते, बैटरी के मामले में सैमसंग आगे हैं। बात करते हैं चार्जर की, रियलमी में है 30 वाट का, सैमसंग में 25 वाट का और दोनों ही फ़ोन में टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो आप दोनों फ़ोन में 2 सिम और 7 मेगापिक्सल का डाल सकते हो और फिंगरप्रिंट सेंसर और फेसर दोनों फोन में दिया गया है और दोनों में वारंटी सेम है 1 साल की। बात करते हैं रैम की, तो रियलमी में है 6 GB की और सैमसंग में 6 GB और 8 GB की। बात करते हैं मेमोरी की, दोनों में सेम 128 GB की दी गई है। बात करते हैं प्राइस की, रियलमी का जो स्पेक्टिव प्राइस है वो 17-18 हज़ार के बीच में होने वाला है और सैमसंग का प्राइस है 6 GB और 128 GB का, वो है 19,500 रुपये। तो फिर आपको दोनों फोन से कौन सा फोन पसंद है कॉल भी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।